time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी हम किस टॉपिक पर डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी हम डील कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ, जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितने उसमें जो क्वेश्चन से आपके गेट एग्जाम में आते हैं। और जैसे हमने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा है किसे, प्रोबेबिलिटी को, सेम जीरो लेवल से हम किसे पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स को। तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द सेशन के लिंक को शेयर कराइए, ताकि सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। यस, आज जो है 1 वीक बाद हमारी क्लास हो रही है, ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी उसकी वजह से मैं लीव पर था, बट अब हमारी जो क्लासेस है कंटिन्यूअस बेसिस पर होने वाली है। सारी चीजें हम जैसे पहले डील कर रहे थे उसी लेवल पर हम करने वाले हैं, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर ना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सके। और जो भी स्टूडेंट ना है उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कितना है, 28 मार्क्स का गेट एग्जाम में। और अगर आप रियली उस पे कॉन्फिडेंट लाना चाहते हैं कि सर हमें 28 में से मिनिमम 25 मार्क्स लेकर आने, तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी सेशन है, स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, सभी क्लासेस में प्रेजेंट रही। एंड जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी।
एंड वहीं पर आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड स्टडी बूस्टर सेशंस। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके और आपका जो एम है 1 digit rank 2 digit rank वह आपका एम फुलफिल हो सके, जो आप चाहते हैं आपका जो ड्रीम है वह फुलफिल हो सके। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग भारत जी, गुड मॉर्निंग सर, मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, विश यू अ गुड हेल्थ नाउ, थैंक यू चंदन जी, थैंक यू सो मच। चलिए यार, तो सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है डियर, आप सभी लोग जानते हैं कि इस मंथ में अप्रैल में 4th अप्रैल, 11th अप्रैल, 18th अप्रैल एंड 25 अप्रैल को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने आप को एनरोल करना है। ये किन किन ब्रांचेस के लिए? MECE, EE, ECE, CSIT सभी ब्रांचेस के लिए। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट किया जाए, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए न्यू बैच जो है 7th अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 14th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, इन नए बैचेस में जल्द से जल्द ज्वाइन होना है ताकि आप लाइव क्लासेस का एडवांटेज ले सके। ये जो बैचेस है गेट 2022, गेट 2023 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यस डियर, ये सेपरेट बैचेस हैं जिसमें कि गेट 2022, गेट 2023 के लिए एजुकेटर्स आपके साथ लाइव डील करने वाले, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप उन एजुकेटर्स से अपने डाउट लाइव पूछ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो डियर, जिस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी पढ़ा बिल्कुल जीरो लेवल से, सेम हम स्टेटिस्टिक्स को भी डील करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से आप में को गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही। सर क्यों मिलता है इसमें? सबसे पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ। डियर, आपको गेट एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जो आप डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये जो आप सारी चीजें पढ़ते हैं, ये चीजें आपने ना ही पहले आईआईटी के टाइम पे पढ़ी है, ना ही आपने ये सारी चीजें 11th 12th क्लासेस में पढ़ी, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस आपको आते हैं सेम लाइक लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपके जो बेसिक ऑफ मैट्रिसेस है उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट वहीं आपका आइगन वैल्यूज है वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है कब, आईआईटी के टाइम पर। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टेटिस्टिक्स को। स्टूडेंट्स को बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये बहुत टफ टॉपिक है, हम कर पाएंगे या नहीं, बट डियर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगर आप इसे बहुत सही से समझेंगे। तो जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी टफ लगता था, आपने उसे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा बिल्कुल हायर लेवल तक, सेम हम इस पर भी डील करने वाले हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेटिस्टिक्स पर कॉन्फिडेंस आ सके। बिल्कुल जीरो लेवल से, लाइक कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड बैठिए, यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें आपको कराई जाएगी बिल्कुल जीरो लेवल से, मैं आपको हायर लेवल तक कराऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग स्टैटिस्टिक्स। चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स में आपके लिए कौन से दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें आती है, पहली आता है बेसिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज रैंडम वेरिएबल। तो अब आज हम डील करने वाले बेसिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स पर। ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आप रैंडम वेरिएबल्स में मीन, मॉड, मीडियन, ये जो सारी चीजें वर्ड्स आएंगे आप इनसे डरेंगे नहीं कि यस सर एक्चुअल में हमें इनका बेस पता है। नाउ स्टेटिस्टिक्स की बात अगर की जाए तो स्टेटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है? माय डियर, स्टेटिस्टिक्स का मतलब है कि आपने कलेक्शन ऑफ डेटा करते क्यों है? कलेक्शन ऑफ डेटा इसलिए करते ताकि आप उसका एनालिसिस कर सके और आप प्रिडिक्शन कर सके। यस, ताकि आप एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सके। यस, जब आप एनालाइज करते तभी आप उससे क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करते हैं। लाइक अगर आप अभी बात करें, अभी आप देखेंगे कि कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, सिटी वाइज आपके पास स्टेट आते हैं कि यस यहां पर देखा जाए तो इतने एज के जो स्टूडेंट्स है या इतने एज के पर्सन जो है इनको बीमारी है, ये ज्यादा हो रही है या लेस हो रही है, इस स्टेट में कम है, ये जो सारी चीजें हैं आपको ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ डेटा।
और ये डेटा हम कलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम उससे पे मेजर्स ले सके, ताकि हमें कोविड को कैसे रोकना है, किस एरिया पर ज्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीजों के लिए हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं और इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। नाउ इसकी अगर बात की जाए कि सर इसको क्यों यूज करते हैं, तो माय डियर इससे हम करते हैं मेजर ऑफ, यस तीन चीजें इसमें आप डील करते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल टेंडेंसी, ना सबसे पहली बात आती है कि सर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी मींस व्हाट सर, सेंट्रल वैल्यू, उसके लिए हम किन चीजों पर डील करेंगे, उसमें हम करेंगे मीन, मॉड, मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी मींस व्हाट, सेंट्रल वैल्यू। एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो हम किस पर डील करेंगे, मीन, मॉड, मीडियन। सेकेंड थिंग, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आप पढ़ते हैं क्या, डिस्पर्शन। सर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मींस आप सभी लोग समझ रहे हैं इसके वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि सर डिस्पर्शन मतलब क्या होता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जो आपको गिवन डेटा है वह मीन से कितना स्प्रेड हो रहा है, मींस उससे कितना दूर जा रहा है, मींस स्प्रेड ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन इज नथिंग बट व्हाट, डिस्पर्शन। सर इसका एनालिसिस हम किसकी मदद से करते हैं, इसका एनालिसिस हम करते हैं किससे, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। तो फर्स्ट सेकेंड थिंग इज डिस्पर्शन, मींस spread of data from the mean, spread of data from the mean। इसके अगर हम example की बात करें तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, सर इसमें हम पढ़ते हैं variance and standard deviation। And the last one is सर स्टेटिस्टिक्स में हमको और कौन सी चीज है, एंड द थर्ड वन इज स्क्यूनेस। सर स्क्यूनेस का मतलब क्या है, मींस डीएफ सिमेट्री की बात की जाती है आपके कहां पर, स्क्यूनेस में, कि आपके लैक ऑफ सिमेट्री है या फिर सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक है। आप इसका टेंशन मत लीजिए, वन बाय वन आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमें किन चीजों पर डील करना है, किनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, स्क्यूनेस। Means what? Sir, skewness means it indicates what? Sir, lack of symmetry. Okay, तो अगर हम बात करें तो आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आपको डेटा दिया गया उसमें हम इन तीन चीजों पर डील करते हैं। नाउ वन बाय वन हम एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि सर जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी कहा उसमें मीन, मॉड, मीडियन ये जो चीजें कही है, सर मीन क्या होता है, सर मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वन बाय वन हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले सभी लोग, ओके चलिए, तो सभी लोग हेडिंग डालिए माय डियर मी, मीन मींस व्हाट, एवरेज। चलिए, यस सर तबीयत ठीक है आपकी, यस डियर, यस मनीष जी अभी आप हेल्थ वगैरह ठीक है इसीलिए यार आपके साथ कंसिस्टेंट रह सके, आपको बिल्कुल एंड तक साथ दे सके, इसलिए एक वीक का मैंने ब्रेक लिया था ताकि हेल्थ बिल्कुल सही हो जाए, ताकि बीच में हम ब्रेक ना लें। ओके चलिए चलिए चलिए, यस तो यार सभी लोग एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए ताकि सभी लोग इसका एडवांटेज ले सके। ओके तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि सर मीन की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग हम करते हैं किससे, फॉर अनग्रुप्ड डेटा,
एंड अनग्रुप्ड डेटा आपको गिवन कैसा है, समथिंग लाइक दिस x1 x2 x3 अप टू xn। नाउ इसमें अगर आपसे मीन पूछा जाए कि मीन निकालिए, ये आप चीजें बचपन से पढ़ रहे हैं कि सर इसका मीन कैसे निकालेंगे। सर मीन इज नथिंग बट व्हाट, सर मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, सर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यस और नो, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए मीन निकाल पाएंगे आप, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर, ये क्या है, इसमें से गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भाई। ये मीन, मॉड और मीडियन, इसमें अगर आप देखें तो गेट एग्जाम में वन मार्क के लिए ही इससे क्वेश्चन आए, इसलिए हमें एक मार्क्स भी नहीं छोड़ना, इसलिए हमें सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पर। तो मीन की अगर बात की जाए तो मीन तो आप बचपन से देख रहे हैं कि सर नथिंग बट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज इज नथिंग बट मीन। नाउ द सेकंड टर्म इज मीडियन, सेकंड टर्म इज व्हाट, सेकंड टर्म इज मीडियन। सर मीडियन क्या होता है, सर मीडियन क्या होता है, माय डियर मीडियन कैसे फाइंड आउट करते, पहले ये बताते फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है। अगर हम बात करें मीन की, तो मीन आपका ये बताता है कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज सारी चीजें किस एवरेज डेटा को शो कर रही है। जैसे कि आपने कहा स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात आप करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप जो है ऑन एन एवरेज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेट अस सपोज आपने गेट एग्जाम दे रहे हैं कितने, 3 साल से, और अगर किसी स्टूडेंट आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, 60, 55, तो आप क्या कहेंगे कि ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो मेरे जो मार्क्स है 50 से 60 के बीच में, या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहे तो आप तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आप कहेंगे कि मेरे एवरेज इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना मेरा मीन। सेम अगर मीडियन अगर आपको निकालना है तो मीडियन क्या किसे इंडिकेट करता है, मीडियन इंडिकेट करता है मिड वैल्यू को, कि जो आपको डेटा दिया गया है उसकी मिड वैल्यू क्या है, किसे इंडिकेट करता है, मीडियन इंडिकेट द मिड वैल्यू। बट लिसन टू मी केयरफुली कि सर मिड वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपको जो डेटा गिवन है आप उस गिवन डेटा को अरेंज करिए किसमें, सर अरेंज की करना है हमें किसमें, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस, जो आपको डेटा गिवन है उसे आप किसमें करिए, उसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। एंड जैसे ही आपने अरेंज किया उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है वे इवन है या ऑड गिवन है। फिर आप क्या चेक करेंगे कि हमें जो वैल्यूज गिवन है वे ऑड है या फिर इवन। यस, टोटल वैल्यूज आपको देखनी है कि अगर इन टोटल वैल्यूज को देखा जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास इवन है या ऑड। अगर आपके पास ऑड है तो आपके लिए मीडियन निकालना बहुत ही सिंपल है कि आप उसमें क्या करेंगे कि सर मिड वैल्यू लेंगे, वही हमारा क्या होगा, सर नथिंग बट द मीडियन। यस और नो, यस सर मींस डायरेक्टली आप मिड वैल्यू उठाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, फिर आपने उसकी जो मिड वैल्यू आपको दिखेगी वह आपकी क्या हो जाएगा, सर नथिंग बट व्हाट, सर जी मीडियन। और अगर हम बात करें कि सर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हुई तो फिर क्या करेंगे, जो आपके बीच में अगर आपके पास, लेट अस सपोज आपके पास कितनी वैल्यूज आई, पहले आई आपके पास 11, अगर आपके पास वैल्यूज पहले 11 आई तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारी जो 6th वैल्यू होगी वह हमारी क्या होगी, सर मीडियन। यस, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सर मिड वैल्यू बता सकते हैं अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। बट अगर आपके पास इवन है तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर की दो वैल्यूज लेनी है, जो सेंटर में दो वैल्यूज आ रहे हैं फिर उनका क्या करिए आप, उनका आप ले लीजिए एवरेज। मींस व्हाट, क्या करेंगे आप, एवरेज ऑफ टू मिड वैल्यूज। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, टेल मी फास्ट। यार टेंशन मत लो, क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको जो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सारी चीजें हो जाएंगी। ये चीजें आपने 11 12th में पढ़ी हैं, बट फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे। आपको ये ना रहे कि आपके लिए सर बेसिक पढ़ने के लिए मुझे कोई बुक से पढ़ना पड़ेगा क्या, कोई जरूरत नहीं है। ओके
चलिए 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 नाउ अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं मॉड की तरफ। कि सर मॉड क्या होता है? माय डियर मॉड बहुत ही सिंपल सी चीज है। मॉड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मींस ऐसी वैल्यू जो आपको गिवन डेटा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। क्या होता है मॉड? मॉड इज नथिंग बट व्हाट सर? मॉड इज नथिंग बट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू आपको डेटा गिवन है उस डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है वह क्या होगा सर? नथिंग बट द मॉड। यस और नो? चलिए आइए सर एक एग्जांपल दे दीजिए। चलिए आइए एक एग्जांपल दे देते हैं। चलिए मान लीजिए आपको ये डेटा गिवन, मान लीजिए आपको ये डेटा गिवन, इस डेटा में आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड आउट मीन मॉड एंड मीडियन। तो आप क्या करेंगे कि सर अगर मीन मॉड एंड मीडियन की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर मीन कैसे निकालेंगे इसमें। डियर मीन कैसे निकलेगा? सर मीन इज नथिंग बट एवरेज। वह कैसे निकालते हैं? सर सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज नथिंग बट 2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 नाउ आंसर कम आउट टू बी 6 + 4 = 10 10 + 2 = 12 12 + 3 = 15 15 + 1 = 16 16 + 2 = 18 डिवाइडेड बाय 6 इज नथिंग बट यस और नो। ये आपका क्या आ गया? मीन। एंड माय डियर ये मैंने आपको जो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज लिए वो ली ही इसलिए है ताकि आपको ये जो डाउट है मीडियन का वह क्लियर हो सके। यस और नो? चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मीडियन की तरफ। सेकंड थिंग इज मीडियन। चलिए मीडियन की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे मीडियन के लिए? सर सबसे पहली स्टेप ये है कि हमें उससे क्या करना है सर? अरेंज करना है। किसमें? आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप जिस भी ऑर्डर में चाहते हो उससे आप अरेंज कर दीजिए, इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में। तो चलिए हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो दिस इज 1, दिस इज 2 2 3 4 एंड 6। जल्दी से बताइए यही आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। नाउ माय डियर अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा कि लेट अस सपोज सर एक वैल्यू इसमें कम होती, मान लीजिए ऑड नंबर्स होते आपके पास, तो आपने क्या कहा सर? मान लीजिए एक वैल्यू कम है इसमें, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज रहती तो मीडियन क्या होता? सर कुछ नहीं, दो वैल्यूज ये, दो वैल्यूज ये, मिड वैल्यू 3 क्या होता हमारा? मीडियन होता। यस और नो? बट यहां पर कितनी वैल्यूज है सर? इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। कितनी वैल्यू है सर? 6। तो अगर आप इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे सर? ये जो दो वैल्यूज आ रही है ये हमारी आ रही है मिड में वैल्यूज, हम इनका क्या करेंगे सर? इसका हम लेंगे एवरेज। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका एवरेज कितना होगा सर? 2 + 3 / 2 मींस 2.5। यस माय डियर 2.5 इज द राइट आंसर। और आपका मीडियन कितना होगा सर? नथिंग बट व्हाट सर? 2.5। और अगर आपके ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज रहती तो आप क्या कहते सर? लेट अस सपोज हमारा 1 नहीं है, तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज रहती तो दिस इज 2 2 एंड दिस इज 3, तो ये 3 जो है हमारा क्या हो जाता सर? मिड वैल्यू। हाँ या ना? समझ आया कि कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे हम मीडियन निकालते हैं? मीडियन समझ आया कि अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज रहती तो मीडियन क्या होता, और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज रहती तो क्या होता? ओके ओके ओके। थर्ड थिंग इज मॉड। मॉड का आइडिया सर? मॉड इज नथिंग बट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है। तो आप क्या कहेंगे सर? 2 जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपका मॉड क्या होगा सर? नथिंग बट 2। जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। यस 2.5।
चलिए चलिए चलिए, यस मॉडेस टू बिल्कुल सही। चलिए यस नाउ माय डियर, अब हम आप एक फॉर्मूला देखते हैं। जनरली स्टूडेंट उस फॉर्मूले को देखते हैं कि सर मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला देखते हैं बट उसके पीछे की कंडीशन नहीं जानते, इसकी वजह से आपका आंसर गलत होता है। सर क्या फॉर्मूला देखते हैं? एक फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट ने देखा होगा, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। जल्दी से बताइए हाँ या ना, यही फॉर्मूला देखा है? यस सर। नाउ माय डियर, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप लगाते हैं तो आपने कहा कि सर मैंने मीडियन पहले ही निकाल लिया, मीन पहले ही निकाल चुका हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू मॉड निकालता हूं तो क्या होगा? सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। सो द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 2.5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन वैल्यू इज 3। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? सो दिस इज 7.5 माइनस ऑफ 6 means 1.5। and my dear आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू क्या थी? सर 2। यहां तो आपके डेटा में ही वो वैल्यू गिवन नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला गलत है? यस सर। तो माय डियर आप ये कभी मत कहिएगा कि फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आपकी कंडीशन गलत है। आप ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं उसकी कंडीशन आपको पता नहीं थी। ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है माई डियर? फॉर इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर एल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है माय डियर? एल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जब आपको जो डेटा है, जो आपको गिवन डेटा है, आप उस गिवन डेटा से मॉड को किसी और तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसकी जो वैल्यूज है उसे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मीन्स आपके पास जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मीडियन दिया गया, डायरेक्ट मीन दिया गया और आपको डेटा गिवन नहीं है, आपको डेटा गिवन नहीं है मीन्स डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आए कि for the given for a distribution the value of the median is something and the value of the mean is something, आपको कुछ values दी गई and आपसे पूछा गया कि find out the mod, तो आप उस cases में ये formula use करेंगे। आप ये formula आपको जब पूरी information दी गई है, जब आपका distribution जो है ill-defined distribution नहीं है, तब आप ये formula use नहीं करेंगे। आप ये formula सिर्फ तभी use करेंगे जब आपका distribution क्या हो? ill-defined distribution। yes or no? चलिए चलिए, ब्रिजेश जी का बहुत अच्छा डाउट है, ब्रिजेश जी बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। सर मीडियन के लिए हमें उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों करना होता है? अगर ना करें तो क्या होगा? अगर आप मीडियन की बात करें, आपने बोला कि सर मिड वैल्यूज ना, अब आपको निकालना है उसकी मिड वैल्यूज, और अगर आपने ये वैल्यूज को रेंडमली किसी भी आपको फॉर्म में दी हुई, ना ही इंक्रीजिंग में दी हुई है ना ही आपको डिक्रीजिंग में दी हुई है, अगर आप इसकी मिड वैल्यू निकालने गए तो आप इसकी मिड वैल्यू क्या कहेंगे? सर इसकी अगर हम मिड वैल्यूज की बात की जाए डायरेक्टली, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये क्या आ रही है? सर मिड वैल्यू की हमारी कितनी आ रही है? सर जी अगर आपने क्या करा, एक डेटा हमने कम मान लिया, ऑड मान लिया, तो आप मुझे एक बात बताइए डियर, क्या आपकी मिड वैल्यू 2 है? जल्दी से बताइए क्या आपकी मिड वैल्यू 2 है? नहीं। मिस्टेक आपकी इसमें यह है कि आपने उससे इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं किया। अब आप जानना चाहते हैं कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं? माय डियर जो आपको डेटा गिवन है, जो आपको डेटा गिवन है उसका आपको पैटर्न पता करना रहता है कि सर ये जो डेटा है इसके पैटर्न के हिसाब से अगर आपका डेटा जो है, लेट अस सपोज आपका डेटा समथिंग लाइक दिस, आपका डेटा कुछ इस तरीके का है, और अगर डियर डेटा आपका इस तरीके से है तो आप इस डेटा में अगर आपने बात करी तो आपने क्या कहा कि सर ये हमारी मिड वैल्यू होगी। मुझे बताइए क्या ये मिड वैल्यू है? Wait a minute, dear. इस क्या ये मिड वैल्यू है? नहीं है डियर। आपको डेटा जो है आपको उसका पैटर्न समझना होगा।
अब इसे क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसे यस इन दिस फॉर्म में आप उसे अरेंज करेंगे। यस, अब आप इसकी सेंट्रल वैल्यू, आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो यस सर ये हमारी मिड वैल्यू है, क्योंकि अगर हम इसका एवरेज देखें यस सर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, अगर आप दो ही वैल्यूज की बात करें तो आप उसका क्या करेंगे कि सर उसका हम एवरेज आप देखेंगे तो अब उसका एवरेज बिल्कुल करेक्ट आए। यहां पर हमने एवरेज में सर यहां पर हमने एवरेज बिल्कुल गलत लिया। जल्दी सर ये समझ आया या नहीं ब्रिजेश जी आपको? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। ओके चलिए 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 आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है। चलिए यस सर, अनग्रुप्ड सर ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आते हैं क्या? नो भारत जी, ग्रुप्ड डेटा से आपके पास क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और आपको गेट एग्जाम में ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ग्रुप के डेटा से क्वेश्चन नहीं आते। ओके चलिए 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 तो हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे थे क्या, सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू की आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है कि सर मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। नाउ अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ जिसमें हम किस पर डील करेंगे, डिस्पर्शन पर। स्लाइडर वर्क नहीं कर रहा है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किस पर, डिस्पर्शन पर। डिस्पर्शन में मैंने आपसे क्या कहा था कि सर डिस्पर्शन इज नथिंग बट व्हाट सर, स्प्रेड ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। मींस आपका जो डेटा है वह मीन से कितना दूरी पर है, मींस कितना उसमें डेविएशन। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके थ्रू पढ़ते हैं आइडिया, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले वेरियंस, चलिए तो वेरिएंस की अगर बात की जाए तो वेरिएंस इज नथिंग बट व्हाट सर, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। सर क्या कहा आपने, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। चलिए सर क्या समझ आया या नहीं, चलिए चलिए ध्यान से सुनिए। आपने अगर इसको याद कर लिया कि सर दिस इज वेरिएंस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, आप उसका फॉर्मूला यूं ही बता देंगे। मींस चलिए पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मींस अगर आप इसे पढ़े तो दिस इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन मींस व्हाट सर, डिफरेंस, कि सर कितना डिफरेंस हमारी वैल्यू और जो मीन वैल्यू है उसमें। तो मींस क्या कहेंगे आप, दिस इज डेविएशन मींस x माइनस ऑफ म्यू। ओके xi माइनस ऑफ म्यू मींस x1 x2 x3 आप उस हिसाब से वैल्यूज को रख लीजिए। देन उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट हम इस स्क्वायर मींस अब आपको क्या करना है इसका सर, स्क्वायर करना है। एंड देन क्या लिखा हुआ है सर, एवरेज। मींस एवरेज क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। ये आपका क्या आ चुका है सर, वेरिएंस का फॉर्मूला आ चुका है। किसी भी प्रकार से रटने की जरूरत ही नहीं है कि सर दिस इज समीशन ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ म्यू द होल इसका डिवाइडेड बाय एन। नो, डायरेक्टली आपको क्या करना है कि सर ये डेफिनेशन से अगर हम बात करें कि सर दिस इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, और अगर हम लास्ट से इससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला ही आ जाएगा। बट डियर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा लेंथी कर देता है प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हैं इससे थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, दिस इज समीशन ऑफ एक्स आई द स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ऑफ म्यू द स्क्वायर। यस यस, आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आप जो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाता है। तो आप इससे सर ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, माय डियर इस फॉर्मूले को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली हर वैल्यूज को लेंगे और हर वैल्यूज में से मीन को माइनस करेंगे, फिर सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे एंड देन उसका एवरेज लेंगे। ये लेंथी हो गया, बट इसमें अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, सभी वैल्यू को स्क्वायर करना, ऐड करना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। मीन आप पहले ही निकाल चुके हैं तो आपका क्या आ जाएगा सर, वेरियंस आ जाएगा। इसलिए माय डियर याद रखिएगा कि आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे सभी जगह। ओके यस और नो,
यस सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब बात करते हैं कि सर नेक्स्ट टर्म क्या था हमारा सर स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट टर्म क्या था सर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ना लिसन टू मी केयरफुली। वेरिएंस जो है उससे हम किससे इंडिकेट करते हैं वेरिएंस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। किससे इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। अब मुझे एक बात बताइए यहां पर ये वैल्यूज क्या है सर स्क्वायर और स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय n करना है मुझे बताइए क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है जल्दी से बताइए। सर कभी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बट अगर आप इसका क्या लेंगे सर स्क्वायर रूट लेंगे तो वह वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सर नथिंग बट व्हाट सर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। क्या है सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट व्हाट सर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नथिंग बट व्हाट सर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं सर दिस इज इंडिकेटेड बाय व्हाट सर सिग्मा। ओके जल्दी से बताइए इसे आपने इंडिकेट किया सिग्मा स्क्वायर से तो इसे किससे इंडिकेट कर दिया सर जी सिग्मा से। और ज्यादा आपका ये यूज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उन सभी जगह पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होगा वेरियंस आपका कहीं पर भी यूज नहीं होगा। ओके चलिए तो जैसे कि हमने इस पर एक क्वेश्चन करा था जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था नाउ सेम डेटा का क्वेश्चन हम यही वाला करते हैं कि सर ये सारी चीजें हमने उसकी निकाल चुके हैं कि मीन क्या है मॉड क्या है मीडियन क्या है कैसे हम उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उस एग्जांपल में हमने सारी चीजें देख चुके। अब सेम इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि सर इसमें अगर हम वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो उससे कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए हेडिंग डालिए चलिए एग्जांपल करते हैं आई थिंक वैल्यूज क्या थी 2, 1, 3, 2, 4, 6 यही वैल्यू थी जल्दी से तो यही वैल्यू थी आया ना। चलिए इसकी अगर आप बात करें तो सर इसमें मीन क्या आया था हमारा सर इसकी अगर मीन की बात करें मीन जहां तक मुझे याद है 3 आया था कभी मिस्टेक हो जाए भाई डेटा में तो बता दीजिएगा। सर मीन कितना आया था सर जी 3 ना। इसमें अगर हम वेरिएंस निकालना चाहें तो वेरिएंस के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला कहा सर समीशन ऑफ xi द स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ म्यू द स्क्वायर। अगर आप बात करें समीशन ऑफ xi द स्क्वायर मींस व्हाट सर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है सर 6 माइनस ऑफ मीन द स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर। यार कैलकुलेटर अब आपके पास है यार कैलकुलेटर अब आप सभी के पास है बताइए भाई कितना आ रहा है सिग्मा स्क्वायर जल्दी से बताइए यार कैलकुलेटर आपके पास है जल्दी से बताइए फास्ट 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 जल्दी से बताइए यार एनीवन एनीवन एनीवन। चलिए 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 यस तो सिग्मा आपका जो वेरिएंस है ये आपका आ रहा है कितना 2.67 यार जहां तक मुझे याद है माइंड ये यही था। अब आप चेक कर लीजिएगा ओके। एंड अगर आप इसकी बात करें कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.67 ये भाई ये तो आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तो ये आप देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर कि सर मीन कैसे निकालते हैं मॉड कैसे निकालते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं वेरियंस कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। हाँ या ना जब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसे मीन निकालते हैं वह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 2.67 ब्रिजेश भरत केतन यस डियर 2.67 इज द राइट आंसर। तो अब हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं कि सर
हमने सेंट्रल वैल्यू के सेंट्रल टेंडेंसी को जान चुके हैं सर, हमने डिस्पर्शन को जान चुके हैं, एंड लास्ट अब आपका क्या आता है, स्क्यूनेस। लास्ट क्या आता है आपका कि सर स्क्यूनेस, एंड स्क्यूनेस किस लिए यूज करते हैं सर, स्क्यूनेस हमें यह बताता है कि हमारी सिमेट्री जो है वह लैक ऑफ सिमेट्री है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन की आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, चलिए तो अब हम डील कर रहे हैं किस पर, स्क्यूनेस पर। एंड स्क्यूनेस में आपने क्या डील करा था रिया सर, स्क्यूनेस हमें क्या बताता है सर, लैक ऑफ सिमेट्री, और किसके बारे में सर जी, डेविएशन के बारे में। मींस ये हमें क्या बताता है सर, लैक ऑफ सिमेट्री। नाउ इसमें अगर हम बात करें तो आपके दो डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज व्हाट, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सर जी, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है माय डियर, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। मीन्स अगर आपके मीन इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू मीडियन, अगर ये आपकी तीनों वैल्यूज बराबर आती हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं सर, सर इसे हम क्या कहते हैं सर, नथिंग बट व्हाट, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, जैसे कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर, आपने क्या कहा कि यस सर, यहां पर हमारा मीन इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू क्या है सर जी, मीडियन, तीनों चीजें बराबर है, तो आपने क्या कहा सर, दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ या ना सर, 1.63 यार, चलिए यार उसके कैलकुलेशन के पीछे क्या पड़े हुए हैं, कर लीजिएगा यार, स्क्वायर रूट तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं, यस और नो। चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, चलिए सर। नाउ माय डियर, बट अगर आप इसकी बात करें कि सर अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है सर, ये स्क्यूनेस का मतलब क्या है माय डियर, आपके लिए अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप दो चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज व्हाट, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं आप यहां पर, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन and the second one is what, and the second one is negative skew distribution, negative skew distribution। सर ये क्या होता है सर, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा, आइए 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 सारी चीजें बता देते हैं माय डियर। अगर आपने कहा कि सर पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, समथिंग लाइक दिस, एंड नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो क्या होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस वन। सर जी समथिंग लाइक दिस वन से क्या ही समझ आएगा, हमें तो दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं। नो माय डियर, ये सेम नहीं है, अगर आप इसमें बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, चाहे वो हमारा पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हमारा क्या हो सर जी, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन की वैल्यू जो है सर, मीडियन तो हमारे बीच में ही आएगा, दिस इज मीडियन, एंड अगर आपने इसकी बात करी तो दिस इज द मीडियन। एंड नाउ माय डियर, अगर आप इसकी बात करें, अगर आपका मॉड, मॉड मींस व्हाट, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू की अगर आप बात करें तो क्या कौन सी है सर, ये जो है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये हमारे क्या है सर, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज का। और अगर आपका ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, ये क्या होगा सर जी, मॉड। और अगर आपका मॉड क्या है सर, मीडियन से कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपका मॉड जो है वह ज्यादा है किससे
सर मीडियन से एंड मीन से, उससे हम क्या कहते हैं सर, नथिंग बट व्हाट, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अमॉड दिस इज मीडियन, और यहां पर क्या हो जाएगा सर जी मीन, और यहां पर इसमें क्या होगा सर जी मीन हमारा सबसे कम होगा, मीन मीडियन मॉड, यस और नो, याद रख पाएंगे? बहुत ही सिंपल है यार, याद करना, याद कर पाना बहुत ही सिंपल है इसको। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है कि सर मीडियन तो हमारी जो वैल्यू दोनों के बीच में आ रही है, बट सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा है सर, मीन एंड मॉड। अगर हमारे मीन की वैल्यू जो है सर ज्यादा है किससे, मॉड एंड मीडियन से, तो उसे कह देंगे हम पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मीन की वैल्यू मॉड और मीडियन से कम है तो उसे हम क्या कह देंगे, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बताइए हाँ या ना, tell me fast, जल्दी से बताइए सारी चीजें क्लियर हुई आज की, जल्दी से बताइए यार, कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई, जो बेसिक्स था स्टैटिस्टिक्स का सारी चीजें क्लियर हुई, कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है सर, क्या होता है वेरियंस, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सर, क्या होता है स्क्यूनेस, कैसे इन सारी चीजों को हम डील करते हैं, जल्दी से बताइए, फास्ट जल्दी से कमेंट करिए यार, यस, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए जिसमें आपको डाउट रहे, तो आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे लाइव पूछ लीजिए अपने डाउट, क्लियर है? चलिए चलिए, तो चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं, डियर अनअकैडमी पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर्स भी चल रहे हैं, और आप सभी के लिए ऑफर्स इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज ले सके। माय डियर ऑफर्स जो है आपके लिए क्यों स्टार्ट किए गए, क्योंकि स्टूडेंट्स वरी हैं कि सर अगर हम अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर हम अभी आपसे कनेक्ट होते हैं अनअकैडमी से प्लस पर या आइकॉनिक पर, तो सर क्या ये हमें एडवांटेज देगा सर, किसके लिए, HPCL, HAL जो हमारे PSUs के एग्जाम होंगे, ESC के एग्जाम होंगे, अगर हम अभी कनेक्ट होते हैं तो सर हमारे ये एग्जाम नहीं हो पाएंगे, यस माय डियर, तो आप सभी लोगों का सोचना बिल्कुल सही है, फाइनेंशियली आप लोगों ने जो ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, इसीलिए अनअकैडमी ने भी आप सभी के लिए ऑफर्स स्टार्ट किए कि आप सभी लोग अगर अभी कनेक्ट होते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, वह 3 मंथ एक्स्ट्रा इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका ESC का प्रीलिम्स भी आप कवर कर सके, उससे आप जो है PSU के एग्जाम्स भी कवर कर सके, आप गेट एग्जाम भी कवर कर सके, इसलिए जो आपको ऑफर चल रहा है आप उसका एडवांटेज लीजिए, जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो जाइए। आपको कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ESC, अगर आप प्लस चाहते हैं तो आप प्लस चूज कीजिए, देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड एज अ पल्लव लाइफ। नाउ पल्लव लाइफ क्यों कोड यूज करना है माय डियर, ये कोड इसलिए यूज करना है क्योंकि ये मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का कोड है, यस यार, आप सभी स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं और आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स जैसे अपना ब्रेन यूज कीजिए। मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, जब आप गेट एग्जाम देकर आएंगे तो आपसे कोई कहीं पर भी आपका क्या पूछा जाएगा, आपसे मार्क्स का पूछा जाता है, यस गेट एग्जाम में आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने आप किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट में या किसी उसमें भी आप मार्क्स लेकर आइए, आपसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्क्स, और सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट के एजुकेटर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि आप उस पर कमांड कर सके और आप अच्छा स्कोर कर सके गेट एग्जाम में, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना है, आपको मस्ट है पल्लव लाइफ कोड यूज करना, और अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं माय डियर, तो सेम फॉर आइकॉनिक आपको क्या करना है डियर, wait a minute, same for iconic, आप जो है अपना प्लान चूज कीजिए either of 12 month or 24 month, but don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance. ये चीजें बहुत ज्यादा important है dear, क्योंकि अगर आपको personal guidance नहीं मिल रहा है तो आप सभी student जो है किसी भी direction में study करते हैं, आपको अगर चाहिए कि सर हमें एक सिस्टमेटिक प्लान मिले, कैसे हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, सर हमें किस सब्जेक्ट को कब डील करना है, सर उसका वेटेज कितना है, हमें ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो माय डियर जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन कीजिए, और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइफ, एंड जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है
माय डियर आप सभी स्टूडेंट इस लिंक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे जल्द से जल्द अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पर आपके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही जिस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ESE, वहां पर सर्च कीजिए पल्लव गौर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए ताकि हर सेशन से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड ये है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल, किन एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम एंड ESE एग्जाम के लिए, किन ब्रांचेस के लिए, EE ब्रांच, ECE ब्रांच, IN ब्रांच, ME ब्रांच, XE ब्रांच, PI ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, जल्द से जल्द इन चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स इनका जो सेशन चल रहा है उन सभी सेशंस का एडवांटेज ले सकें। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, यस डियर 1 PM पर क्लास है आप सभी का, यस 1 PM पर हम मिलने वाले हैं। ओके चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।